अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में संचालित कोविड-19 के कार्यक्रमों की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में AD हेल्थ के अलावा CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे, CMS डॉक्टर अभयचंद श्रीवास्तव, डॉक्टर माला सिन्हा सहित स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कोविड-19 की समीक्षा के साथ निगरानी समिति के द्वारा मेडिसिन किट के वितरण की स्थिति, जनपद में 4 CHC को कोविड हॉस्पिटल के रूप में तैयार करने की प्रगति तथा कोविड के संभावित तीसरे वेव के लिए बच्चों के चिकित्सा के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड के तीसरे चरण से बचने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दें, CSC और PSC की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाएं तथा एम्बुलेंस की समुचित व्यवस्था CSC और PSC पर भी करें, जिसे संभावित तीसरे वेव से निपटा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, तो 1450 किट बनाने के लायक दवाइयां रामपुर ब्लॉक उस पर कार्टन पर लिख करके गया। दवा के अलावा उसमें क्या है? दवा के अलावा उसमें लिफाफे, जिनमें कि आप उन दवाओं को इंडिविजुअल के लिए भरवा देंगे, ठीक है, और दवा का पर्चा भी है, प्रेस्क्रिप्शन भी है उसमें, जिसमें कुछ IC का मटेरियल एक तरफ है और एक साइड उसमें प्रेस्क्रिप्शन है कि कौन सी दवा कितने बार खानी है, कैसे डोज है, क्या है। ये पैकेटिंग करवा करके और आप इसे निगरानी समितियों को उपलब्ध करवा देंगे। वहाँ जो भी ग्राम प्रधान है उनको बता देंगे कि गांव की आशा को ये पैकेट उपलब्ध करवाए गए, डिस्ट्रीब्यूट करवाए। उसमें एक चीज अभी नहीं है जो बाद में भेजी जाएगी आपको, वो भी भेजी जाएगी, वो ये है कि एक उसमें ऐसा फॉर्मेट, वो आपसे अनुरोध है कि वो आप छपवा करके दे दीजिएगा उसमें, या जैसे पूरी दवाई दी जाएगी और वो जो सूची होगी जो ग्रामवाद दी गई, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे जिलाधिकारियों को बताया है कि ICCC के माध्यम से फिर ये सूचियां जो आपके जो जीओ में भी लिखा हुआ था, आपके जो आपके माननीय सांसद विधायक है, ये कार्टन अभी आपको हम उस समय तक भेजते रहे। ये दो बार ये दवाई पहुंचेगी तो 25-25 पैकेट हर निगरानी समिति के लिए सप्ताह में आपको लगभग दो बार पहुंचेगी, तो एक सप्ताह में 50 पैकेट हो गए, तो आपको अगर ये उस समय तक ये दवाइयां जाती रहेगी 3-4 दिन तक, जब तक कि इंफेक्शन बिल्कुल नीचे नहीं आ जाता है, बिल्कुल नियंत्रण में रखना। और एक सूचना आप लोगों से हमने ली थी और आपको हमने भी भेजा भी है, कुछ गांव ऐसे हैं आज कोविड नियंत्रण के लिए VCA चल रही थी, तो किस तरह से स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी और बिल्कुल इस पॉजिटिविटी को बिल्कुल ही डाउन कर दिया जाए, तो पॉजिटिविटी तो कम डाउन हो ही रही है, और चूँकि सेकेंड थर्ड वेव जो आने वाली है पीडियाटिक एज ग्रुप की, तो यही जानकारी लोग ले रहे थे कि पीडियाटिक में कैसी व्यवस्था कर रहे हैं, तो हर जिलों को ये कहा गया कि अपने BSC CSC पर पीडियाटिक वेंटिलेटर्स पीडियाटिक भर्ती करने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए। हर जिले में 4 हमारी CSC जो हैं उनको
बच्चों को भर्ती करने के लिए, उनके लिए वेंटिलेटर, उनको ट्रीटमेंट के लिए व्यवस्था करने के लिए सुझाव दिया गया है। मेडिसिन किट लखनऊ से कुछ बनी बनाई मेडिसिन किट आ रही हैं, जो हर ब्लॉक पर सीधे पहुंचेंगी, हमारे यहाँ आएंगी तो हम हर ब्लॉक को सीधे पहुंचाएंगे और वहाँ से गांव वाइज, विलेज वाइज सबको पहुंचाई जाएगी। इधर हमने खुद ही अपना मेडिसिन किट कल 41,000 हमने मेडिसिन किट पूरे ज़िले में बांट रखी है। ऊपर से एडिशनल जो है हमारी गवर्नमेंट जो है लखनऊ की, वो खुद भेज रही है, हमारी NHM भेज रहे हैं, क्योंकि हमको करना है तो एक दो दिन में आ जाएगी। तो हम पूरे MOIC के माध्यम से, आशाओं के माध्यम से, निगरानी समितियों के माध्यम से सभी घर घरों में पहुँचाएंगे।